पोज मार के खड़ा है। तो तू अपना रिएक्शन दे, कितना मतलब कैसा लगा तेरे को टीवी साइज, तू उस टाइम वहां पे था नैनीताल। कैमरे में इतना नहीं दिखता है ना, कैमरे में इतना नहीं दिखता तो भाई। फिर भी ना दिखे यार, तू ऐसा दिखा ना, तू अपनी बाएं फैला के दिखा। तो आज हमने बोला आज तो इसकी अनबॉक्सिंग तो कर ही लेते हैं, कि देखते तो हैं टीवी है कैसा, सही चल रहा है या नहीं। वो तो आते रहेंगे जो भी इंस्टॉल करेगा। क्या चला के तो हाँ, वो बोलते तो हैं कि हम ही अनबॉक्स करेंगे, पर ऐसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं इस चीज़ से। हाँ शायद, मैं श्योर नहीं उसके बारे में। हाँ यार जी, जंग के वहाँ ना फैक्ट्री में ना धरे रहे बन बन के वहाँ जंग। और यहाँ पे आकाश पवार द प्रो अनबॉक्सर, क्या टैलेंट नहीं है हमारे इस लड़के के अंदर। मास्टर शेफ ये, अनबॉक्सर ये, सेल्समैन ये, यूट्यूबर ये, ब्लॉगर ये, ड्राइवर ये, ट्रैवलर, बिग ट्रैवलर, क्या टैलेंट की कमी है, कुछ भी तो नहीं है। तो खोलते ही इसके साथ में हमको सबसे पहले मिल जाता है इसमें ये गाइड, यहाँ पे मिल जाता है इसमें ये रिमोट और इसके केबल। अच्छा। इसको हम बाद में खोलेंगे अभी, रुको। हाँ ये एंड का काम है। ये हैंगर वाले मिल जाते हैं टेबल पर ऐसे रखने वाला। हाँ ये भी रखने जाते हैं, दो मिले हैं, दो ही रहते हैं ये। अब सबसे पहले हम इसका ये करना, एक और चीज़ है ब्रो, दिस इसे उतर के आ। This is so huge. क्या मैं होल माउंट नहीं आया क्या? छोड़ मेरे हाथ में ना फिसल बन जाएगी। वो फिसल भी सके, बुलाऊं पापा है? ना ना ऐसे ना बुलवाए। हम पापा बुलवा लो फिर भी यार। यू का रखो अंबे। ये तो खुली पर ही है, निकाल पूरी निकाल। कैसे मैं गलत कर रहा हूँ? तेरे तो और लुटा ले तू। मैंने ओ मुंह बना। चल ठीक है, खोल लियो एक बार, खोल ना निकाल ना तो करियो। अरे यार तू बोल भी नहीं है। अरे ये नीचे से हाथ भी खुल रहा है, तेरे से सब भी खुल रहा है। वो पन्नी अटक गई ना बीच में, ये तो कांपरे आज पहले जैसे खुलना खुली आएगी। तो लगी हुई ना, लगा चलो अभी चला के देखते हैं। पहले कहीं चला के देख ले। हाँ इन्हें लगा पहले हमें, और ये मैं होल माउंट है हमें ना, वो शायद इंस्टॉलर ही लेके आएगा। भाई अपनी एलईडी अपने स्टैंड पे रख दिए जो कि इसने बनवाई थी। यहाँ पे ये स्टैंड लगा दिए हैं इधर, इस टाइप से स्टैंड लगते हैं। पहले हमको समझ नहीं आ रहे थे, बट बाद में हमको स्टैंड भी समझ में आ गया। अभी इसमें ये एक फिल्म लगी हुई है, अभी इस पे लिखा हुआ है कि इसको ना उतारें जब तक कि ये असेंबल ना हो जाए। तो अभी जस्ट हम ट्रायल बेसिस के लिए इसको चेक कर रहे हैं कि चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। बिकॉज यहाँ से इसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ना ये खुली हुई है। अभी आपने वीडियो पहले भी देखा, तो अभी तो हमने ऐसे खींच के इसको चला दिया। अभी देखते हैं चल रही है या फिर क्या दिक्कत है। इस चल गई भाई अपनी एलईडी, चल गई है ये। अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं, चालू करके देखते हैं। अभी हमें असेंबली कहाँ है असेंबल? भाई इसमें आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा है इसमें कि कितनी बड़ी स्क्रीन है इसकी, बट बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। हाँ मस्त पति एक दाढ़ी की तरह एकदम मस्त। हटा दे देख ले। हाँ ये वाली चीज थी, वो तो ऐसे हो रखी थी ना, ऐसा कैसे पैनल हट गया यार। अबे यही थी वो, तू जूम कर देख लीजिए तो यही थी वो, ऐसा कैसे पैनल आ जाएगा यार। पकड़ के रख तो ये है डू नॉट रिमूव अंटिल टीवी असेंबल्ड, मतलब जब तक ये ऐसे दीवार पे। अबे तो बिल्कुल भी ना यार, कितनी मस्त है। हां
देख ले छोरा दिन कहां कहां हांडे ऐसी खतरनाक है। अरे देख तू तो अभी मैं इसको टैक्सी में आया या से जो करना है करना है कहीं ना कहीं। ओ भाई आ भाई आ खूबसूरती तो अब निकली है इसकी। ऐसे में चले हम देख ले ऐसे समझ में सर्दी का मौसम कहीं सर्दी का मौसम कोई सीन ना है। अरे अभी को तो 10 दिन पहले भैया कुछ वीडियो के लिए जा रहा था कि हमारे ऐसे में काम बन गया और कुछ करवा दिया मेरा टाइम है दरवाजे की जल्दी आ गया तो मैं ही पहले मारा मतलब इसके बाद तो भाई आज है नेक्स्ट डे और हमने जैसे टीवी को कल एक्सप्लोर किया अपने को तो बहुत मोटी हमको उसमें दिक्कत पाई। अभी दिक्कत क्या पाई कि भाई उसमें हमने देखा पीछे हेडफोन जैक ही नहीं है 3.5 mm जैक। हमारा दिमाग ख़राब। मेरे रूम इसी तरीके से अपने डिज़ाइन करवाया था कि हर तरफ तार छुड़वाए थे स्पीकर से जिससे मैं एम्पलीफायर से वो दे सकूं। मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूं। तो मैंने क्या करवाया था कि एक स्पीकर वहां पे वायरिंग पहले ही तो स्पीकर टांग दिया यहां पे स्पीकर और यहां पे स्पीकर और बेस टू बेस टू मतलब अभी तो टेम्परेरी इनका परमानेंट जुगाड़ करना बाकी है। इसमें चला के देख रहा था ये सोनी का नया एम्प लिया था ये स्पीकर लिए थे रॉक बोर्ड पंच के तो मतलब ये बहुत ही 30,000 रुपये का सेटअप बन गया था बेस ट्यूब लगा के और ये सब। अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें अब जैसे मैंने यहाँ पे इसका इनपुट दे दिया है एम्प को और जैसे मेरा MI का टीवी था उसमें क्या था कि पीछे 3.5 mm जैक उसमें घुसा दी मैंने साउंड आउटपुट कर दिया इसमें और मस्त बजता है अपना यहाँ से ही अपना जो टीवी का रिमोट उससे वॉल्यूम करना बजाता है। लेकिन इसमें अभी क्या सीन हो रहा है कहीं पे भी इसमें ये 3.5 mm जैक नहीं है। अब भाई इसमें केवल एक चीज़ फिर मैंने देखी इसमें आता डिजिटल ऑप्टिकल वाला यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ये डिजिटल ऑप्टिकल वाला इसमें साउंड आउटपुट है बस। या तो आप ब्लूटूथ से चला सकते हो अपने स्पीकर से कनेक्ट करके या फिर डिजिटल ऑप्टिकल से। अभी ब्लूटूथ का मैं सीन बताता हूँ। ब्लूटूथ स्पीकर अगर मैं मंगवाऊंगा तो कम से कम 15-20,000 रुपये के बढ़िया वाले आएंगे जो इनको टक्कर दे सके बेस वगैरह बहुत तगड़ा बना देते बहुत तगड़े लाउड रहे तो 15-20,000 के वो आएंगे। अब हर बार वो कौन कनेक्ट करेगा इस टीवी से जब भी ऑन करेगा फिर 15-20,000 का अगर मैं मंगवा भी लूँ तो मेरा ये जब जो सेटअप है तो वेस्ट हो जाएगा इनको कौन ही लेगा दोबारा। मैं आज भी उस टाइप का आदमी जो वायर्ड हेडफोन्स यूज़ करता है मतलब मैंने वायरलेस जो ईयरफोन्स होते हैं ना वो तो मैं पहनता ही नहीं तो वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर्स की तो बहुत दूर की बात हो गई मेरे लिए कि उनको कनेक्ट करो हट। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू एम बिल्कुल ब्रांड न्यू ये देखो सब कुछ वायरिंग एक से बढ़िया वाली डलवाई थी मैंने इसमें जब ये पूरा हुआ था बिजली सिस्टम रॉकपोर्ट पंच के देखिए सोनी एक्सप्लोर का ये अपना एम्पलीफायर हो गया तो वो मेरे को फर्क लग नहीं रहा कि ब्लूटूथ स्पीकर में दोबारा से मंगवाऊँ। फिर मैंने देखा कि डिजिटल ऑप्टिकल से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपना कि डिजिटल आउटपुट फेंकता है तो हम इसको एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो मैंने एक डिवाइस मंगवा लिया ऑर्डर कर दिया अमेजोन पे जिसका 845 रुपये का। अब उसमें दिक्कत ये बता रहे हैं कि उससे जो हमारी वॉल्यूम है वो कंट्रोल नहीं होती है हमको अपने फिर जो भी हम अपना वो सबवूफर है उससे ही करना पड़ता है कंट्रोल। अब मैं सबवूफर से कंट्रोल करूँगा तो भाई हद तक मैं उससे करता रहूँगा। मैं MI वाले में तो क्या है कनेक्ट कर दिया टीवी के रिमोट से अपना वॉल्यूम अप डाउन करके अपना मस्त चलता है कोई सिस्टम ही नहीं है और इसमें तो कहीं नॉब भी नहीं होता। मैं पेचकस से बार बार इसको यहाँ से इसमें कंट्रोल होते हैं पेचकस से थोड़ी करूँगा थोड़ा कंट्रोल तो वो आइडिया भी एकदम रिजेक्ट हो गया। तो अब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा या तो मैं इसको टीवी स्पीकर से सुनूं केवल या आप स्पीकर मंगा जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं लगा मेरे को ब्लूटूथ स्पीकर मंगवाना फिर इनका क्या होगा ये जो मैंने करवाया है और कनेक्शन फिर दोबारा से ऐसे थोड़ी बैठ सकती है उनमें लाइन तो ये एक दिक्कत हो गई है। अभी किसी को अगर इसका इलाज पता हो कि कैसे मैं इसको चला सकता हूँ और आवाज़ भी कंट्रोल टीवी से कर लूँ तो आप प्लीज़ इसको कमेंट्स में बताएं वरना फिर अपने पास ये ऑप्शन है कि ये फिर मेरे को ड्राइंग रूम में लगवानी पड़ेगी ड्राइंग रूम वाली अपने रूम वाली कहीं और फिर इसके लिए मेरे को नहीं मंगवानी पड़ेगी MI की क्योंकि MI में ही 65 inches वाली सोच रहा हूँ मैं उसमें ही बस 3.5 mm जाएगा या किसी और भी कोई कंपनी हो जिसमें 3.5 mm आता हो तो वो भी बता देना। तो ये बहुत बड़ी आफत हो गई भाई एक मैंने पहले देखा ही नहीं कि इसमें जैक है या नहीं तो कृपया करके किसी को पता हो तो बता देना वरना 60-65,000 रुपये फिर से मेरे जाएंगे टीवी के ऊपर अगर इसमें इलाज मिल जाता है तो बता देना। और ये वाली चीज़ सही है क्या मतलब डिजिटल ऑप्टिकल में ऐसे बोल रहे थे कि लाइट के थ्रू ट्रैक होते हैं साउंड तो इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो छोटा सा डिवाइस होता है उसको भी पावर चाहिए होती है और वो मेरे को रिलायबल नहीं रहा क्योंकि चाइनीज माल है थोड़े दिन में ही वो खराब भी हो सकता है क्योंकि उसको भी पावर चाहिए होती है 5 वोल्ट की मतलब एक हेडफोन जैक दे देते हैं अगर तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मैं
मैं यही सुनना चाहता हूँ, मसलत में अपने रूम में, इसीलिए मैंने ये सब ताम झाम करा था। ये भी मंगवाया है, देखो ये भी मंगवाया है, हेवल्स की तारे जोड़ी हैं, ये तारे हैं, ये है। तो ये डिवाइस है भाई जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मंगाया मैंने, वो जो डिजिटल टू ऑप्टिकल वो वाला, डिजिटल एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर होता है, ये मंगवाया है। लेकिन इसमें वही इशू, अगर वो वाला इशू ना हो ना कि वो अपना वॉल्यूम कंट्रोल यहीं से हो जाए, वो वाला सीन ना रहे, तो मैं इसको चला लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब यार वॉल्यूम कंट्रोल होगी ना, फिर सेंस नहीं है। और अब बहुत लोग कहेंगे कि उनको, हमको दे दो उन स्पीकर्स को, बिल्कुल बिल्कुल पैक है, पर भाई मैं नहीं देना चाहता यार। मैंने मतलब इतने उससे खरीदे थे मस्त एकदम दिल से, और रूम भी उसी, इसलिए तो बनवाया था मैंने। देखो तगड़ा एकदम बेस वाले म्यूजिक सुनना पसंद है, मतलब घर में तो एटलीस्ट, कार में तो मैं नहीं सुनता, पर घर में तो मेरे को तगड़ा हाई फाई सेटअप चाहिए। और ये जो होम थिएटर मेरे पे 2-3 पहले ही पड़े हैं, क्रिएटिव के सर्कल वगैरह के, एफएनडी के, पर उनमें मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं तीनों को एक साथ भी चला लूँगा, जब भी जो ये कार वाला बेस ट्यूब का साउंड होता है ना, पंच होता है, ये नहीं मिल पाता, तो ये रूम खुदर उठा देते हैं, तो मेरे को वही वाला चाहिए बस। तो किसी को बताओ तो बता देना भाई प्लीज़, बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी, वरना तो इंस्टॉलर आ ही रहा है, देखते हैं कहाँ पे लगेगा। कमेंट्स खुले हैं वहाँ, बता देना कि क्या मैं कर सकता हूँ। बस मेरे को 3.5 mm जैक चलाना है, वो अपना साउंड आउटपुट मिल जाए अपने को, बाकी तो फिर नए ऑर्डर करना पड़ेगा। बाय।